नमस्कार साथियों, वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई में बहुत ही अच्छी खासी यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपकी उम्र मिनिमम 20 वर्ष है और मैक्सिमम यहां पर 45 वर्ष तक जो कैंडिडेट हैं वो यहां पर इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट जानकारी यहाँ पर बताऊँगा और फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और मोटिवेट करता है। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बिहार सरकार सहरसा सुपौल, ठीक है। और यहां पर जो वैकेंसी, जैसे कि मैंने बताया था, जिला बाल संरक्षण इकाई में यह वैकेंसी जो है यहां पर निकाला गया है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं किस किस में कितनी यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है और यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है, कितनी वैकेंसी है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, एज कितना रखा गया है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें सीरियल नंबर 1 में यहाँ पर जो है मैनेजर और कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, जिसमें एक पोस्ट यहाँ पर जारी की गया है, बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क मांगा गया है। इसके अलावा सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एनी अदर सोशल साइंस से अगर आपने किया वगैरह है, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा किया हुआ है, सर्टिफिकेट इन चाइल्ड प्रोटेक्शन का आपके पास है, काउंसलिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे अगर किसी के कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इनमें से जितने भी बताया गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी यहां पर मांगा हुआ है। साथ में यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश आपका होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एज की बात करें तो यहां पर एज यहां पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 40 साल तक आप कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, मैनेजर और कोऑर्डिनेटर पोस्ट में। सैलरी यहां पर 17,500 रुपये यहां पर मिलेगा। अगले पोस्ट की बात करें तो सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की है, जिसमें भी एक पोस्ट यहां पर जारी किया गया है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है और यहां पर गुड ऑल रिटन कम्युनिकेशन स्किल वगैरह जो है ये आपकी होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है 22 साल और मैक्सिमम उम्र जो है 45 वर्ष तक कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों यहाँ पर 14,000 रुपये मिलेगा। अगली पोस्ट जो है नर्स की है और इसमें दोस्तों डिप्लोमा इन नर्सिंग आपका होना चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एज जो है 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी आपको 9,000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। डॉक्टरेट की है और यहाँ पर आया फीमेल की है और इसमें देख सकते हैं जनरल की 3 है, EBS की 1 है, BC की 1 है और SC की 1 है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, 10वीं से भी कम कोई पढ़ी लिखी महिला है वो भी दोस्तों यहाँ पर आया के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है। इसके अलावा उम्र देख सकते हैं मिनिमम उम्र जो 20 साल है और मैक्सिमम उम्र यहाँ पर 45 साल तक आवेदन कर पाएंगी। सैलरी दोस्तों यहाँ पर 6,000 रुपये मिलेगा। चौकीदार की पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अ पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेसी, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर भी देख सकते हैं। सैलरी इनको भी यहाँ पर 6,000 रुपये मिलेगा। अब बात करें फॉर्म जो है आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको फॉर्म जो है इसको यहाँ पर ऑनलाइन नहीं भरना है, इसको ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ऑफलाइन आवेदन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2022 तक आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म जो है भर के यहाँ पर सेंड कर देना रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखेंगे दोस्तों आपका जो लिफाफा इसी के डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसी के लास्ट में आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी को आपको निकालना है, उसी को भरना है, साथ में सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो आपका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है, जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ अटैच करना है और उसको सेंड कर देना है। सेंड कौन से पते पर करना है तो यहाँ पर पता आप देख सकते हैं दोस्तों, जिला गोपनीय शाखा कमरा नंबर 203 पारंगण प्रथम तल सहरसा सुपौल पिन कोड यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये सारे अनुभव प्रमाण पत्र, जाति हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें आपको साथ में संकलन करके यहाँ पर सेंड करना है। साथ में 2 यहाँ पर अलग से लिफाफा यहाँ पर भेजना है और यहाँ पर उस पर 25-25 रुपये का टिकट भी आपको चिपकवाना रहेगा, ठीक है। और जितना लिफाफे का वजन है उस हिसाब से आपको टिकट भी आपको लगवाना है। अगर आप हाथों हाथ जमा करना चाहते हैं तो जाके आप कार्यालय में हाथों हाथ भी जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखा है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है और समय सीमा के अंदर आपको यहाँ पर सेंड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को निकलवाना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम, यहाँ पर लिंग वगैरह जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जन्म तिथि लिखना है, मास वर्ष तिथि में यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सारा कुछ आपको भरना है और यहाँ पर दोस्तों आपका मैट्रिक या समकक्ष किया है,
या अन्य कोई डिप्लोमा किया, स्नातक या जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं और कार्य किस क्षेत्र में आपका अनुभव वगैरह है वो यहाँ पर आपको साझा करना है, सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर सब कुछ करने के बाद, ये सारे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के बाद सब कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई मुझसे सवाल, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।